देखिए आज की क्लास हम लोग अगला फंक्शनल ग्रुप लेने जा रहे MIDCONH2। इसका सेकेंडरी सफिक्स खुली श्रृंखला वाले यौगिक में होता है एमाइड। अब हम इसमें पहला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं CH3CH2CH2CONH2। ये देखिए चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और इसमें हम नंबरिंग किधर से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। तो फंक्शनल ग्रुप इससे CONH2 है, इसी के कार्बन से नंबरिंग करेंगे। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, प्रेफिक्स लिखते हैं, रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब इसमें प्रेफिक्स क्या है, इसमें प्रेफिक्स अब्सेंट है, इसमें प्रेफिक्स मौजूद नहीं है। जनक श्रृंखला के कार्बन से कोई भी आपको ग्रुप या एटम जुड़ा नहीं है, यानी प्रेफिक्स अब्सेंट है। रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या होता है, पैरेंट चेन यानी जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन। पहला काम क्या करेंगे, जनक श्रृंखला का चुनाव, क्योंकि यही एक कार्बन की श्रृंखला ही है, यही जनक श्रृंखला हो गई और नंबरिंग हम जनक श्रृंखला के कार्बन के करते हैं। क्योंकि जनक श्रृंखला में पैरेंट चेन में कार्बन परमाणु संख्या चार है, तो चार के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट, BUT। दूसरे नंबर पे आएगा प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बांड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल। और सिंगल के लिए आपको बताया गया है प्राइमरी सफिक्स होता है N। इसके बाद अगला आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स CONH2 के लिए क्या होता है, एमाइड। अब यहां पर इसका लोकेंड क्या हुआ, चूंकि नंबरिंग हमेशा यहीं से होगी, इसलिए इसका लोकेंड यहां पर क्या होगा, फिक्स होगा, तो लोकेंड लिखना जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसका सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा एमाइड। नाम के लिए करते क्या हम लोग, तो नाम के लिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रेफिक्स लिखते हैं जो कि मौजूद नहीं है। दूसरे नंबर पर हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं, रूट वर्ड यहां पर क्या है, ब्यूट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन, फिर एमाइड। तो आईपीएससी नेम हम लोग यहां लिखने जा रहे हैं, तो आईपीएससी नेम होगा क्या, आईपीएससी नेम सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले प्रेफिक्स मौजूद नहीं, दूसरे नंबर पे रूट वर्ड, यहां रूट वर्ड है क्या, ब्यूट, BUT। दूसरे नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स एन, ANE। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड। ये हो गया एमाइड। अब इसमें हटाने का रूल क्या है, ये प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स, इसमें लास्ट वाला वर्ड क्या है, स्वर, और यहां पहला वाला क्या है, स्वर है, ये वाला स्वर हट जाएगा। अब इनको मिला, अभी मिलाते बाद में, पहले जो हटा उसको अलग से लिख देते हैं। ई हटा दिया एन, उसके बाद एमाइड। अगर इनको मिला देंगे ये हो जाएगा ब्यूटेनामाइड, BUTANAMIDE। अब इसी को आप हिंदी में लिख सकते हैं ब्यूटेनामाइड। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं CH3CH CH। बांड यहां देख लेते हैं, इसका यहां चार, यहां भी इसका चार, यहां चार, बांड आपको सेटिस्फाई है। तो अगर इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। ये जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, यही जनक श्रृंखला होगी, पैरेंट चेन। दूसरा काम करेंगे नंबरिंग, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। सबसे पहला काम हम लोग लिखेंगे प्रेफिक्स।
इसमें ये जो ग्रुप मौजूद है CH3, जनक श्रृंखला के कार्बन से जो CH3 जुड़ा है ये है प्रेफिक्स और इसका नाम है मेथिल। क्योंकि यह मेथिल दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 2-methyl। तो इसका लोकेंट 2 है तो 2-methyl, पहला लेटर कैपिटल लेटर से। इसके बाद रूट वर्ड में क्या होता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या 5, 5 के लिए क्या होगा पेंट। अब पहला लेटर इस्तेमाल से PENT। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में बांड। यहां देखे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, यहां कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में डबल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल। डबल और सिंगल में किसको प्रेफरेंस मिलेगा, डबल को। तो डबल के लिए प्राइमरी सफिक्स होता ईन, ENE। अब ये डबल बांड किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में, छोटा कौन है 3, ये 3 का माना जाएगा तो लिखा जाएगा 3-ene। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है, तो सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज किया जाता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए। और यहां फंक्शनल ग्रुप क्या है, CONH2-amide। आप देखिए इसका लोकेंट 1 फिक्स होता है, नंबरिंग यहीं से किया जाएगा, लोकेंट फिक्स है तो इसका नाम हो जाएगा, लोकेंट इसका 1 होगा, लेकिन यहां लोकेंट फिक्स है लिखना जरूरी नहीं, एमाइड, केवल एमाइड, AMIDE। अब इसके बाद नाम पर आते हैं, आईपीसी नेम क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स यहां बताइए क्या है, 2-methyl, METHYL। दूसरे नंबर पे क्या लिखते हैं, रूट वर्ड, तो रूट वर्ड है पेंट, PENT। इसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स 3-ene, ये हो जाएगा 3-ene। देखिए ये लोकेंट है और ये अल्फाबेट, दोनों के बीच में डैश रहेगा। अगला है एमाइड, अब इनको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, AMIDE। इसमें देखिए ये आपको प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स, लास्ट वाला वर्ड यहां पर स्वर है वावेल, और यहां पर ये पहला वाला क्या है स्वर, वावेल। ये वाला जो स्वर है ये हट जाएगा, इनको हटा के हम यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो अगर हम यहां डायरेक्ट लिखेंगे ये हो जाएगा 2-methyl pent 3-ene pent PENT 3-ene। इन में ई यहां पर ई हटा दिया जाएगा, ये ई हटा दिया गया, ये लोकेंट अल्फाबेट के बीच में डैश, यहां भी लोकेंट अल्फाबेट के बीच में डैश, उसके आगे एमाइड, AMIDE। तो क्या हो गया, 2-methyl pent 3-ene amide। आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं।